तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अपना पहला वीडियो शूट करने के लिए आज घर से निकल चुका हूँ दोस्तों, और आज मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। मैं एक ऐसी लोकेशन पर जा रहा हूँ दोस्तों, हमारे इंदौर का नज़ारा। ये मैं राणा मंडल बाईपास में हूँ दोस्तों, और अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, बनाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। और पहाड़ी दोस्तों आप देख सकते हैं, और पहले राजा महाराजा शिकार करने के लिए आए दोस्तों, आप देख सकते वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ का भी नज़ारा बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, फाइनली हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप पीछे देख ही सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और ये इंदौर की एक वीआईपी कॉलोनी है दोस्तों। यहाँ पर गार्डन वगैरह काफ़ी बने हुए हैं दोस्तों, और यही लोकेशन मैंने आज वीडियो बनाने के लिए सिलेक्ट की है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना वीडियो शूट करूँगा दोस्तों। आई होप आपको पसंद आए, आप लोग बहुत इन्जॉय करें दोस्तों। ये लोकेशन एक वीडियो के हिसाब से बहुत अच्छी लगी दोस्तों मेरे को, इसीलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर इंदौर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है दोस्तों, ये बाईपास से जो है दोस्तों। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और ये पीछे देवगुराड़े ये राणा मंडल वाली पहाड़ी है जहाँ का मैं आपको बता रहा था, वहाँ भी जाऊँगा दोस्तों किसी दिन, जब भी टाइम मिलेगा मैं वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा, और वहाँ का भी सुंदर नज़ारा आप देख लो। वीडियो बनाते बनाते अपने भैया के घर पर उनसे मिलने के लिए बनाया था, फोन लगाया था, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते बनाते इनसे भी मिल चुकी है। मेरे भैया का घर है दोस्तों, और वो मेरे लिए चाय बना रहे थे दोस्तों। ये मेरे भैया है दोस्तों, ये मेरे लिए चाय बना रहे हैं अभी, मैं इनको परेशान कर रहा हूँ यहाँ के चाय बनाने के लिए। भाभी जी है नहीं अभी, भाभी मार्केट गए हुए, इसलिए भैया चाय बना रहे दोस्तों। और ये मेरा भैया का मकान है, ये यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप लोग जैसा देख सकते हो खंडवा रोड ब्रिज पर खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आज जिस लोकेशन पर गया था दोस्तों, वहाँ पर कुछ प्राइवेसी के कारण वीडियो शूट करने दिया गया नहीं दोस्तों, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लोकेशन पर मैं जा नहीं पाया, इसलिए मैं खंडवा रोड ब्रिज पर खड़ा होकर थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये फोटो खंडवा जाने के लिए रास्ता है दोस्तों, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। रोड का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हो। इस तरह जाएंगे तो बहुत बहुत जाएंगे दोस्तों, ये बहुत पुराना रोड है दोस्तों। अभी मैं बहुत बार खंडवा रोड के ब्रिज के बीचों बीच खड़ा हूँ दोस्तों, और वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में वाइब्रेशन हो दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ अच्छा वीडियो बने और आपको एंटरटेनमेंट कर पाऊँ दोस्तों। ये खंडवा रोड का नज़ारा दोस्तों, आप अगली लोकेशन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नई लोकेशन पे। हम अभी खड़े हैं इस वक्त रौ बाईपास के सेंट यूनिवर्स यूनिवर्सिटी। तो हेलो दोस्तों, आज पूरा दिन वीडियो शूट करने के बाद मैं आता हूँ प्रसिद्ध बाबा हनुमान मंदिर के पास, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों दिन भर सारी लोकेशन पर जा जा के मैं काफ़ी थक गया था दोस्तों, तो मैंने देखा कि बाबा मंदिर है दोस्तों, इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे, छोटा सा वीडियो थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पीछे बाबा का मंदिर है, ये अच्छी लोकेशन है दोस्तों। आइए मैं आपको बाबा का दर्शन करवाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हो दोस्तों, बाबा के दर्शन कर सकते हो दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राऊ की पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लोकेशन के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। आइए मैं आपको इधर की लोकेशन दिखाता हूँ दोस्तों, चारों तरफ हरियाली हरियाली है दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है कि दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। क्या ये
देखिए दोस्तों, पहाड़ी के एकदम ऊपर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। आपका कभी आना हो तो सेज यूनिवर्सिटी के पास में हनुमान मंदिर है दोस्तों, इतनी बढ़िया लोकेशन है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं, आराम करने के लिए अच्छा पहले से दोस्तों यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी देर बाबा के भजन कीर्तन कर सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, आज पूरा दिन का वीडियो शूट करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ दोस्तों, और अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप सभी को मज़ा आएगा और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होगा। वैसे कोशिश तो की है इंटरटेन करने की, इतना कोई खास नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक है, आए आप लोगों को पसंद आता है तो अच्छी बात है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल है यूट्यूब इंदौरी बॉय के नाम से दोस्तों, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।